हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। और मैं सचिन आपके लिए आज जीएस की नई प्रैक्टिस सेट सीरीज लेकर आया हूं। और मैं उम्मीद करता हूं यह प्रैक्टिस सेट सीरीज भी आपके लिए पिछली प्रैक्टिस सेट सीरीजों की तरह ही अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज की मोटिवेशनल लाइन्स हैं, मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला ने लॉर्ड क्लाइव द्वारा, मतलब सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, यानी वो कौन सा युद्ध था जिस युद्ध में सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा पराजित हुआ था, ठीक है, यानी क्लाइव द्वारा पराजित हुआ था। तो देखिए सिराजुद्दौला क्लाइव द्वारा पराजित कब हुआ, तो आइए 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध, ठीक है, प्लासी का युद्ध होता है। देखिए ये प्लासी का युद्ध जो था, युद्ध नहीं षड्यंत्र था, प्लासी का युद्ध युद्ध नहीं षड्यंत्र था। और यह षड्यंत्र क्लाइव और सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने और जो उनका जगत सेठ फतेह चंद और अमी चंद ने मिलकर बनाया था। और इस युद्ध को जो फाइनेंस किया था वो जगत सेठ फतेह चंद ने किया था, ठीक है। तो देखिए प्लासी का युद्ध कब होता है, 23 जून 1757 को होता है। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार होती है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार होती है, ठीक है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की क्या होती है, सिराजुद्दौला की हार होती है, ठीक है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार होती है। किस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सिराजुद्दौला को क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, तो किस युद्ध में परास्त हुआ था, प्लासी के युद्ध में। देखिए प्लासी का युद्ध वास्तव में युद्ध नहीं था, एक षड्यंत्र, इतना आप याद रखिए। और इस युद्ध के बाद मीर जाफर जो था वो बंगाल का नवाब बन जाता है, ठीक है। दूसरी बात बक्सर का युद्ध, देखिए बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को होता है, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था, अंग्रेज सेनापति, इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था, अंग्रेज सेनापति। तो देखिए इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति था हेक्टर मुनरो, कौन था, हेक्टर मुनरो अंग्रेज सेनापति थे। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन थे, हेक्टर मुनरो जो थे वो अंग्रेज सेनापति थे इस युद्ध में, ठीक है। दूसरी बात, और इस तरफ क्या था, संघ, संघ में कौन कौन शामिल था, संघ में शाहआलम सेकंड, मुगल बादशाह शाहआलम सेकंड, ठीक है, सुजाउद्दौला अवध का नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है। दूसरी बात, और था बंगाल का भगोड़ा नवाब मीर कासिम, बंगाल का भगोड़ा नवाब मीर कासिम शामिल था संघ में, शाहआलम सेकंड, सिराजुद्दौला, बंगाल का भगोड़ा नवाब मीर कासिम शामिल था। लेकिन इस युद्ध में संघ की हार होती है। और इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है, और इलाहाबाद की संधि करने के लिए क्लाइव को लंदन से बुलाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि किसने की, तो क्लाइव ने की थी। इलाहाबाद की संधि किसने की थी, क्लाइव ने की थी। जबकि बक्सर के युद्ध में सेनापति कौन था, हेक्टर मुनरो था। और प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था अंग्रेजी तरफ से, क्लाइव ने लड़ा था, ठीक है। प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था, क्लाइव ने लड़ा था। दूसरे बांडीवास का युद्ध, देखिए बांडीवास का युद्ध 1760 में होता है, ठीक है। बांडीवास का युद्ध कब होता है, 1760 में होता है। और किस किस के बीच होता है, अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच, फ्रांसीसियों के मध्य होता है, जिसमें अंग्रेज विजयी होते हैं और फ्रांसीसी पराजित होते हैं। और इसी के साथ भारत से फ्रांसीसियों का जो उद्देश्य था यहाँ पर शासन करने का वो समाप्त हो जाता है, फ्रांसीसी वापस चले जाते हैं। या मैं कहूँ कि भारत में अब शासन करने के लिए कौन विदेशी बचे था, अंग्रेज अकेले बचे थे, ठीक है। तो देखिए बक्सर का युद्ध 1757 होता है, वो सॉरी प्लासी का युद्ध 1757 होता है, बक्सर का युद्ध 1764 में होता है।
और बांडीवास का युद्ध 1760 में होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा, सराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव द्वारा पराजित किया गया, तो किस युद्ध में पराजित किया गया था? प्लासी के युद्ध में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी अंग्रेजों ने? तो देखिए, श्रीरंगपट्टनम की संधि मैसूर के साथ होती है, और मैसूर के शासक कौन थे? हैदर अली मैसूर के संस्थापक थे, और यह संधि टीपू सुल्तान के साथ होती। बात करते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध की। आंग्ल मैसूर युद्ध, तो देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध जो, ये टोटल तीन हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट होता है, सेकंड होता है और फोर्थ, चार होते हैं, चार आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। देखिए पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक चलता है। ठीक है, जिसमें हैदर अली विजयी होता है, हैदर अली विजयी, और किसकी? मद्रास की संधि होती है। हैदर अली विजयी होता है, कौन सी संधि होती है? मद्रास की संधि होती है। ठीक है, देखिए हैदर अली अच्छा कूटनीतिज्ञ था। वो क्या करता, अपने पड़ोसी राज्यों को अपनी तरफ मिला लेता। जब युद्ध से पहले अंग्रेज मराठों और हैदराबाद के निजाम को अपनी तरफ मिला लेते हैं, लेकिन युद्ध जब शुरू होता है तब हैदर अली उनको अपनी ओर मिला लेता है, जिससे अंग्रेज पराजित होते हैं और हैदर अली विजयी होता है इस युद्ध में। ठीक है, और कौन सी संधि होती है? मद्रास की संधि होती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक चलता है। ठीक है, और इस युद्ध में 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, हैदर अली की मृत्यु। ठीक है, लेकिन टीपू सुल्तान युद्ध को जारी रखता है, टीपू सुल्तान युद्ध को जारी रखता है, युद्ध को जारी रखता है। ठीक है, टीपू सुल्तान युद्ध को क्या करता है? जारी रखता है, और अंत में 1784 में मंगलौर की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? मंगलौर की संधि। ठीक है, उस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग था, और ये संधि मैकाटनी करता है। तो वारेन हेस्टिंग कहता है कि मैकाटनी कैसा बेकार का आदमी है, कि मैं जानता हूँ ये जो संधि की है, फिर भी हम हैदराबाद या मैसूर पर मैसूर पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये संधि कौन करता है? टीपू सुल्तान करता है। आइए अगला युद्ध होता है ये 1790 से 1792 तक। ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से कौन था? कॉर्नवालिस, और इस तरफ टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान था। ठीक है, और इस युद्ध में अंग्रेज विजयी होते हैं, अंग्रेज विजयी, और कौन सी संधि होती है? श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, कौन सी संधि होती है? श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इस युद्ध में कौन सी संधि होती है? श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। ठीक है, चतुर्थ यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन था? बैलेजली, कौन था? बैलेजली था अंग्रेजों की तरफ से, और इस तरफ से कौन थे? टीपू सुल्तान। ठीक है, और रंगपट्टनम के गेट पर युद्ध लड़ते हुए टीपू सुल्तान शहीद हो जाते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, तो रंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी। ठीक है, रंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ की थी। देखिए टीपू सुल्तान का स्टेटमेंट, टीपू सुल्तान ने कहा था कि गीदड़ों की तरह हजारों वर्ष जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह लड़ो और मर जाओ। ठीक है, ये स्टेटमेंट टीपू सुल्तान का था। देखिए हैदर अली के बारे में यह कहा गया कि हैदर अली राज्य निर्माण के लिए पैदा हुआ था और टीपू सुल्तान उसे गंवाने के लिए, यह बात अंग्रेज इतिहासकार ने कही है। दूसरा देखिए, हैदर अली कूटनीतिक था, उसने अपने पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे बनाए, जबकि टीपू सुल्तान ने विदेशी देशों से सहायता मांगी थी, और विदेशी आप तो जानते ही कि पड़ोसियों से संबंध रखोगे, कोई आपत्ति आती है पड़ोसी तुरंत आएंगे।
अब दूर संबंध बनाओगे तो उन्हें आने में क्या लगेगा, समय लगेगा, इसीलिए टीपू सुल्तान अंग्रेजों से पराजित हुआ। दूसरी बात देखिए, अंग्रेजों की नीति ये थी कि जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है उसे पहले नष्ट करो, तो टीपू सुल्तान औपनिवेशिक बात की समझ रखता था और टीपू सुल्तान ने भी ईस्ट इंडिया जैसी कंपनी बनाई थी और इसलिए अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को सबसे पहले मतलब पराजित किया और उसके साम्राज्य को नष्ट किया, ठीक है। दूसरा, टीपू सुल्तान वैज्ञानिक सोच रखता था। आपको बता दूं, एपीजे अब्दुल कलाम जब नासा जाते हैं तो नासा में उन्हें एक फोटो दिखाई देती थी, ये भारतीय वेशभूषा में जो रॉकेट लॉन्चर लिए हुए खड़ा था, और वह टीपू सुल्तान की फोटो थी, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। स्थापना किसने की? विलियम जोन्स ने की थी, विलियम जोन्स ने, ठीक है। कब की थी? 1784 में की थी, और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग था, ठीक है। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था, ठीक है। बात करते हैं कॉर्नवालिस की। देखिए, कॉर्नवालिस स्थाई बंदोबस्त का जन्मदाता। कॉर्नवालिस कौन है? स्थाई बंदोबस्त का जन्मदाता, बंदोबस्त, ठीक है। स्थाई बंदोबस्त दिया कॉर्नवालिस। दूसरी बात, भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता, सिविल सेवा का जन्मदाता कॉर्नवालिस, पुलिस सेवा का जन्मदाता, ठीक है। पुलिस सेवा का जन्मदाता भी कौन है? कॉर्नवालिस है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक के बारे में, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था, याद रखिए, भारत का पहला गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक थे, ठीक है। विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इन्होंने क्या किया था? सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत किया, अंत कौन से नियम द्वारा? नियम था उसका 1829 का नियम 17, ठीक है, नियम 17। लॉर्ड वेलेजली, वेलेजली क्या लेके आए थे भारत में? सहायक संधि, ठीक है। क्या लेके आए थे? सहायक संधि लेके आए थे, ठीक है। वैसे तो बताऊं, भारत में सबसे पहले सहायक संधि कौन लेके आया? डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले लेके आया था, लेकिन उस सहायक संधि को सही से लागू किसने किया था? वेलेजली ने लागू किया था, ठीक है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, कलकत्ता में सेटिंग सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता है? तो देखिए, लड़ाकू पेशवा बाजीराव फर्स्ट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाजीराव फर्स्ट को लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। इनका ड्यूरेशन है 1720 से 1740 था, ठीक है। दूसरी बात, इसने क्या किया था? शिवाजी की गोरिल्ला पद्धति को पुनः जीवित किया, शिवाजी की गोरिल्ला युद्ध पद्धति को पुनः जीवित किया, गोरिल्ला युद्ध पद्धति को पुनः जीवित किया, गोरिल्ला युद्ध पद्धति को पुनः जीवित किया, युद्ध पद्धति को पुनर्जीवित किया, ठीक है। दूसरी बात देखिए, हिंदू पद पातशाही की स्थापना की इसने, हिंदू पद पातशाही की स्थापना की किसने? बाजीराव फर्स्ट ने, ठीक है। बाजीराव प्रथम का स्टेटमेंट था कि इस पेड़ की मतलब जड़ें क्या हो चुकी हैं? जंजर हो चुकी हैं, तो हमें सीधा इस वृक्ष के किस पर? तने पर प्रहार करें या जड़ों पर प्रहार करें तो वृक्ष धाराशाही हो जाएगा, शाखाएं तो अपने आप ही गिर जाएंगी, और ऐसा इन्होंने मुगल साम्राज्य के बारे में कहा था, ठीक है। बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव का टाइम पीरियड रहा 1740 से 1761 तक, ठीक है। पेशवाओं में सबसे बड़ा साम्राज्य था इसका, पेशवाओं में सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे बड़ा साम्राज्य। इसके बारे में कहा जाता था कि इसके घोड़े ने कटक से लेके अटक तक का पानी पिया है। पेशवाओं में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? बालाजी बाजीराव का था। इसी के समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ,
इसमें मराठे पराजित हुए। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, तृतीय युद्ध जिसमें क्या हुआ, मराठे पराजित हो जाते हैं। बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तृतीय युद्ध होता है जिसमें मराठे पराजित हो जाते हैं। बालाजी विश्वनाथ इन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक, द्वितीय संस्थापक। या मान लीजिए मराठा राज्य के पहले पेशवा थे, ठीक है, जिनकी नियुक्ति किसने की थी, साहूजी महाराज ने की थी, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव बनते हैं, बाजीराव के बाद बालाजी बाजीराव बनते हैं, और ये अंतिम पेशवा के तौर पर थे, और इन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली थी, ठीक है, बाजीराव सेकंड ने। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि किस पेशवा को लड़ाकू पेशवा कहा जाता है, तो बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो देखिए वाराणसी में संस्कृत विद्यालय की स्थापना जॉन नाथ डंकन ने की थी, किसने की थी, जॉन नाथ डंकन ने की थी, ठीक है। वाराणसी में प्रथम संस्कृत विद्यालय की स्थापना जॉन नाथ डंकन ने की थी। वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में एक मदरसा बनवाया, कलकत्ता में मदरसा बनवाया, क्या बनवाया, मदरसा, किसने बनवाया, वारेन हेस्टिंग्स ने। दूसरा लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले ने भारत में कौन सा सिद्धांत दिया, इन्होंने फिल्ट्रेशन थ्योरी, फिल्ट्रेशन थ्योरी शिक्षा से संबंधित थी, फिल्ट्रेशन थ्योरी। दूसरा इन्होंने अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम बनाया, अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम बनाया, ठीक है, अंग्रेजी को क्या बनाया, भारत में शिक्षा का माध्यम बनाया, किसने, लॉर्ड मैकाले ने। बंकिम चंद चटर्जी की पुस्तक है आनंद मठ, ठीक है, और इसी आनंद, ये आनंद मठ सन्यासी विद्रोह के ऊपर लिखा गया है। पूछा जाता है पेपर में कि आनंद मठ किसके ऊपर लिखा गया, तो सन्यासी विद्रोह पर, ठीक है, विषय क्या है इसका, सन्यासी विद्रोह है। बंकिम चंद चटर्जी ने क्या लिखा है, वंदे मातरम, जो भारत का राष्ट्रगीत है, किसने लिखा है, बंकिम चंद चटर्जी ने लिखा है, ठीक है। आपसे पूछा गया कि भारत में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो जॉन नाथ डंकन ने की थी, किसने की थी, जॉन नाथ डंकन ने की थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था, कौन सा, सोम प्रकाश, ठीक है। तो देखिए सोम प्रकाश समाचार पत्र ईश्वरचंद विद्यासागर का था, किसका था, ईश्वरचंद विद्यासागर का था। सोम प्रकाश जो अखबार था वो किसने निकाला था, ईश्वरचंद विद्यासागर ने। दूसरे ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रयास किया, आंदोलन चलाया, विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन किसने चलाया, आंदोलन चलाया, ठीक है। देखिए इससे संबंधित दो क्वेश्चन बनते, विधवा पुनर्विवाह जो प्रस्ताव था वो किसके समय लाया गया, तो डलहौजी के समय, लेकिन उसे पारित किसने किया, कैनिंग ने किया। तो मैं कहूँ विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, यह अधिनियम लाया गया किसके समय लाया गया, लाया गया डलहौजी के समय, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लाया किसके कहा गया और पारित किसने किया, पारित किया कैनिंग ने, ठीक है, क्योंकि उस डलहौजी का ट्रांसफर, वो डलहौजी वापस चले जाते हैं, उनके स्थान पर कैनिंग आते हैं, इसको पारित किसने किया था, कैनिंग ने पारित किया था, ठीक है। दूसरी बात, आप राजा राम मोहन राय का अखबार कौन सा था, मिरातुल इनका अखबार, ठीक है, अखबार इनका कौन सा था, मिरातुल अखबार था। दूसरी बात, इन्होंने किस समाज की, ब्रह्म समाज की स्थापना की, किस समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना की, ठीक है। दूसरा, इन्हें नव प्रभात का तारा कहा जाता है,
राजा राम मोहन राय को न प्रभात का तारा कहते हैं, ठीक है, पुनः जागरण का अग्रदूत कहते हैं, नव प्रभात का तारा तारा, ठीक है। इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास किया, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास किया, ठीक है। किसके लिए प्रयास किया? सती प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास किया, ठीक है। देखिए यहाँ गलती से मिसप्रिंट हो गया है कि यहाँ जो पत्रिकाओं के नाम छप गए हैं, यंग इंडिया किसकी है? एनी बेसेंट की है, लिख लेते हैं यंग इंडिया किसकी है? एनी बेसेंट। और लीडर किसकी है? मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मालवीय। यंग इंडिया एनी बेसेंट की, और एक और है कॉमन व्हील, ये दोनों पत्रिकाएं एनी बेसेंट की, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र ईश्वरचंद विद्यासागर ने शुरू किया। ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए भी आंदोलन चलाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ऑप्शन है आर्टिकल 249, ये कहता है कि राज्यसभा, राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, बहुमत से प्रस्ताव पारित करे करे तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ठीक है, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ठीक है। और ऐसा कानून एक वर्ष के लिए लागू रहेगा, ऐसा कानून एक वर्ष के लिए लागू रहेगा, एक वर्ष के लिए लागू रहेगा ऐसा कानून। आर्टिकल 250 से कहता है कि आपातकाल के दौरान, यानी 352 का प्रयोग हुआ है, तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। मैं कहूँ आपातकाल के, मैं आपातकाल में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ठीक है। आर्टिकल 250 में 252 ये कहता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित कर दें तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं। दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ठीक है। दो या दो से अधिक, या दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल, ठीक है, दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करें, ठीक है, दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करें तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। देखिए इसमें यहाँ ऑप्शन गलत है, 253 होना चाहिए, ठीक है। 253 के तहत ही संविधान के अनुच्छेद के अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौते को प्रभावी बनाने से संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 253 इसका सही आंसर होगा, ठीक है, आर्टिकल 253 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि लोक लेखा समिति रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करती है, यानी लोक लेखा समिति जो अपनी रिपोर्ट देगी वो किसको देगी, ठीक है। तो देखिए पहले बात करते हैं लोक लेखा समिति में सदस्य कितने होते हैं, सदस्य होते हैं 22, ठीक है। और ये कैसी समिति है? स्थाई समिति है, कैसी समिति है? स्थाई समिति है। सदस्य कितने होते हैं? 22 होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा, 7 सदस्य राज्यसभा, 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य किसके होते हैं? राज्यसभा के होते हैं, ठीक है। दूसरी बात,
लोक लेखा समिति जो है किसकी जांच करती है, ये सीएजी यानी कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है, कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। जांच करती है ठीक है, और जांच करने के बाद ये अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देती है, अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है, उसको देती है, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है ठीक है। दूसरी बात, इसको देती है लोकसभा स्पीकर को। देखिए देखिए, नियंत्रक मालिका परीक्षक ये कैग आर्टिकल 148 से 151 तक है ठीक है। नियंत्रक मालिका परीक्षक जब सरकार पैसा खर्च करती है उसके ही समांतर ये अपनी जांच रखता है, लेकिन इसका कोई जैसे लिखा नहीं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कोई नियंत्रण वितरण नहीं होता है इसका ठीक है। बस ये बस जो पैसा खर्च होता जाता है उसकी जांच करता है, और ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति इसकी रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है। या मेरे को ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है, अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को देता है ठीक है। किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है, अपनी रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में अगर हमें वृद्धि करनी है तो वह किसमें निहित है ठीक है। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करनी है तो देखिए, बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में है ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछा जाता है कौन से आर्टिकल में है ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल। तो देखिए, इसका जो आर्टिकल नंबर है सुप्रीम कोर्ट का वो 124 से है। कौन से आर्टिकल से शुरू होता है, 124 से शुरू होता है। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि इसी 124 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। संसद क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या का निर्धारण करती है, जजों की संख्या का निर्धारण कौन करता है, संसद करती है ठीक है। तो इसका आंसर होगा संसद, जबकि राष्ट्रपति जो है ये हाई कोर्ट में जजों की संख्या का निर्धारण करता है, हाई कोर्ट में जजों की संख्या का निर्धारण ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या का निर्धारण कौन करता है, संसद करती है, और हाई कोर्ट में जजों की संख्या का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। तो देखिए, आर्टिकल 129 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट अवलेख न्यायालय, कैसा न्यायालय, अवलेख न्यायालय। देखिए, अवलेख न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो लिपिबद्ध किए जाएंगे, और ऐसे अपनी अपमानना के लिए दंड देने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र संपूर्ण भारत है, यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय संपूर्ण भारत में लागू होंगे। आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक अधिकार, प्रारंभिक अधिकार है आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक अधिकार है, यानी इसके अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू होगी। जिनकी सुनवाई कहाँ शुरू होगी, सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू होगी। प्रारंभिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक अपीलीय अधिकार आर्टिकल 131 में, जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही होगी, जैसे राज्य राज्यों के मध्य विवाद, राज्य संघ के मध्य विवाद ठीक है, और राज्य राज्य के मध्य विवाद हो जाए, राज्य संघ के मध्य विवाद हो जाए, या एक से अधिक राज्य और संघ के मध्य विवाद हो जाए तो वो किस में आएगा, आर्टिकल 131 के तहत आता है। दूसरी बात, इसके अंतर्गत अंतर्राज्यीय नदी विवाद नहीं आते। अगर नदी के जल को लेकर विवाद हो जाता है तो आर्टिकल 262 के तहत अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद
आते हैं उसके लिए अलग आर्टिकल दिया है, आर्टिकल 262। आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति, राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति आर्टिकल 143 में कही है। आर्टिकल 137 देखिए, आर्टिकल 137 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पुनरावलोकन की शक्ति, कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है 137? देखिए, सिर्फ न्याय पुनरावलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी यह मानना है कि आई एम नॉट गॉड, मैं भगवान नहीं हूं, गलती मुझसे भी हो सकती है। और इस हमारे देश का जो न्याय प्रणाली है उसका यह है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सजा ना मिल जाए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को न्याय पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है, ठीक है। यानी अपने ही निर्णय के विरुद्ध अपील स्वीकार करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है, और ये प्रावधान आर्टिकल 137 में, कौन से आर्टिकल में, 137 में दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के न्याय पुनरावलोकन की शक्ति कौन से आर्टिकल में, 137 में, ठीक है। चलिए अगले अनुच्छेद, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता कि विधान परिषद साधारण विधेयक को निम्न में से किस अवधि तक रोक सकती है। तो देखिए, राज्य में हम विधान परिषद की स्थिति देख लेते हैं। देखिए, विधानसभा और विधान परिषद, देखिए साधारण विधेयक के संबंध में साधारण विधेयक, साधारण विधेयक, देखिए विधानसभा ने पारित कर दिया, कहां पहुंचा, विधान परिषद ने, विधान परिषद इसको 3 बार रोक लेती है, कितने समय, 3 बार के, उसके बाद ये वापस किसके पास आ जाता है, विधानसभा के पास वापस आ जाता है, वापस यानी पुनः विचार के लिए भेज दिया वापस, और ये इसे पुनः उसी रूप में पारित कर देती है, तो 1 माह और, ठीक है, 1 माह बाद ये उसी रूप में पारित हो जाएगा जिस रूप में इसे विधानसभा ने पारित किया था, यानी उसी रूप में पारित हो जाएगा, रूप में पारित, ठीक है, जिस रूप में किसने पारित किया है, विधानसभा ने पारित किया है, तो इस विधेयक पारित किया है। तो देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विधान परिषद किसी भी साधारण विधेयक को किस अवधि तक रोक सकती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4 माह। कितनी अवधि के लिए रोक सकती है, 4 माह के लिए रोक सकती है, ठीक है। जबकि केंद्र में ऐसा नहीं है, साधारण विधेयक को राज्यसभा पारित करते और लोकसभा पारित करे, दोनों को पारित करना है, अन्यथा संयुक्त बैठक का प्रावधान है, लेकिन राज्य में ऐसा नहीं है, राज्य में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। दूसरा, धनी विधेयक के संदर्भ में सिर्फ विधान परिषद 14 दिन के लिए रोक सकती है, 14 दिन बाद वह उसी रूप में पारित समझा जाएगा जिस रूप में विधानसभा उसे पारित करती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है, भंग नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है परंतु समाप्त, यानी भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। भंग ने, क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता परंतु, ठीक है, परंतु समाप्त किया जा सकता है, ठीक है, परंतु समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। ठीक, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत मिसप्रिंट हो जाती है, ठीक है, जो हमारी टीम है उससे अभी थोड़ी बहुत गलती ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो आपसे पूछा है, निम्न में से किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है, ठीक है, यानी ऐसा सदन जिसका कार्यकाल समाप्त नहीं होगा, ठीक है, लेकिन वो क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है, इतना मतलब जनरल भाषा में कहूँ, यानी ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा आदमी जो कभी बीमार नहीं पड़ता लेकिन सीधा उसका राम नाम सत्य हो जाता है, ठीक है, यानी बीमार नहीं पड़ता वो सदन, सीधी उसकी कहानी खत्म हो जाती है। तो ऐसा सदन कौन सा है, तो ऐसा सदन है विधान परिषद, कौन सा सदन है, विधान परिषद, ऐसा सदन है जो कभी बीमार नहीं पड़ता लेकिन सीधी इसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि एक ऐसा सदन है, स्थायी सदन है, और इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 169,
169 में ही विधान परिषद का सृजन है और विधान परिषद का समापन है। कौन से आर्टिकल है? 169 में ही विधान परिषद का सृजन, विधान परिषद का सृजन, सृजन व समापन, ठीक है। कौन से आर्टिकल में? 169 में विधान परिषद का सृजन व समापन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मां नदी पर कौन सा बांध बनाया गया, ठीक है। तो ये टिहरी डैम, देखिए टिहरी डैम जो है ये उत्तराखंड राज्य में, कौन से राज्य में? उत्तराखंड में, ठीक है। कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी, मैटूर बांध, हा हा मैटूर बांध। मैटूर बांध कावेरी नदी पर, कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर। राज्य कौन सा? तमिलनाडु, ठीक है। दूसरा कावेरी नदी आपको पता है सतत वाहिनी नदी है, यानी दक्षिण भारत की, या मैं कहूं प्रायद्वीपी भारत की एकमात्र सतत वाहिनी नदी कावेरी नदी है, ठीक है। प्रायद्वीप भारत की एकमात्र सतत वाहिनी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र सतत वाहिनी नदी ठीक है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर, ठीक है। ये नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है, नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। हीराकुंड बांध, ये बांध महानदी पर है और उड़ीसा राज्य में, महानदी पर, ठीक है। और किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। हीराकुंड बांध महानदी पर और कौन से राज्य में? उड़ीसा राज्य में, ठीक है। तो आपसे पूछा गया महानदी पर कौन सा बांध बनाएगा, हीराकुंड बांध बनाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे पूछा गया है कि भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह कौन सा है। तो देखिए बात करते हैं पहले चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई जो है एक कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह बंदरगाह, ठीक है। दूसरी बात, यह भारत का प्राचीनतम बंदरगाह है, में से एक है प्राचीनतम बंदरगाह, कृत्रिम है लेकिन मानव द्वारा निर्मित बंदरगाह है चेन्नई। कांडला ज्वारी बंदरगाह, ज्वारी बंदरगाह बंदरगाह, ठीक है। इसे निर्यात बंदरगाह भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से निर्यात बहुत होता है, निर्यात बंदरगाह, ठीक है। बात आती है मार्म गोवा, ये गोवा में स्थित है, गोवा, और मांडवी नदी के मुहाने पर स्थित है, ठीक है। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से स्थल से घिरा सबसे अच्छा और सबसे संरक्षित, विशाखापत्तनम है, ठीक है। ये डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है, कौन सी पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है? डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है विशाखापत्तनम बंदरगाह, कौन सी पहाड़ी के पीछे? डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित। और ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, प्राकृतिक है, गहरा है और डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है, प्राकृतिक है, गहरा है, ठीक है, और डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित भी है, नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है, ठीक है। तो विशाखापत्तनम बंदरगाह सबसे गहरा है, प्राकृतिक बंदरगाह तथा डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे ये सुरक्षित भी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है, ठीक है। आइए इधर बात करते हैं, चलिए वैसे देखिए इधर ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपरी परत, ठीक है। देखिए इस वाले भाग को क्षोभ मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर। इस वाले भाग को समताप मंडल, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर। इस वाले भाग को कहते हैं मध्य मंडल,
मीजोस्फीयर मध्य मंडल, और इस वाले वाक्य को कहते हैं आयन मंडल, आयन मंडल, और इस वाले वाक्य को कहते हैं बहिर्मंडल। ठीक है, क्या कहते हैं? बहिर्मंडल, बहिर्मंडल, इस वाले वाक्य को क्या कहते हैं? बहिर्मंडल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए छोमंडल, छोमंडल का विस्तार 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक? 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसका विस्तार है? छोमंडल का विस्तार है। सारी मौसमी परिघटनाएं यहीं घटती हैं। मौसमी परिघटनाएं कहाँ घटती हैं? छोमंडल में। आंधी तूफान सारे कहाँ आते हैं? छोमंडल में आते हैं। और यहाँ ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आती है, यानी 165 मीटर की अगर ऊंचाई जाएंगे हम तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, कम हो जाता है। एक ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आती है, और इसका विस्तार 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ठीक है, यानी विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, जबकि ध्रुवों पर 8-10 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विषुवत रेखा पर तापमान अधिक रहता है और ध्रुवों पर तापमान कम रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि समता ओजोन मंडल, देखिए ओजोन मंडल का विस्तार समता मंडल में होता है। समता मंडल का विस्तार लगभग कहाँ तक? 50 किलोमीटर तक है, जबकि ओजोन परत का विस्तार, ओजोन गैस का विस्तार लगभग 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल के किस भाग में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। दूसरा देखिए, इसका नाम सप्ताप मंडल, तो समताप मंडल इसलिए कहते हैं इसमें तापमान समान रहता है, यानी इसमें तापमान घटता बढ़ता नहीं। दूसरी बात, कोई भी मौसमी परिघटना समताप मंडल में नहीं घटती है, और यह समताप मंडल जेट वायु यानी वायुवान उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति होती है। समताप मंडल में यानी वायुवान उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, दूसरी बात, मध्य मंडल, देखिए मध्य मंडल का विस्तार 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्य मंडल का विस्तार होता है, और मध्य मंडल में ऊपर की ओर जाने तापमान में तेजी से कमी आती है, और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने पर -100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। ठीक है, और इससे ऊपर आयन मंडल आता है, क्या आता है? आयन मंडल, और यहाँ फिर तापमान तेजी से बढ़ने लगता है, और आयन मंडल में ही किरणों को ये आयनित कर दिया जाता है, जिसके कारण पृथ्वी पर दूर संचार संभव है, और इसका विस्तार लगभग 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसके बाद वायुमंडल आता है। ठीक है, इसके बाद वायुमंडल आता है। ठीक है, चलिए, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। और ये भी बता दूं, ओजोन परत ही सूर्य से आने वाली परावैगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव है। यानी वो परावैगनी किरणें पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं, अगर वो परावैगनी किरणें पृथ्वी पर आएंगी तो मनुष्य को त्वचा का कैंसर कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एकमात्र महाद्वीप जिससे कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं? तो वो सिर्फ एक ही महाद्वीप है, और जिसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तीनों रेखाएं गुजरती हैं इससे, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती है कौन से महाद्वीप से? अफ्रीका महाद्वीप से। 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, ये है तुम्हारी मकर, ये विषुवत और ये है तुम्हारी कर्क रेखा, यानी ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेडोर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कौन से महाद्वीप से गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हो। अगला क्वेश्चन का है कि विषुवत होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर के ऊपर होता है, यानी सूर्य की किरणें किस पर ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं? तब पृथ्वी पर विषुवत की स्थिति होगी। ठीक है, तो देखिए विषुव की स्थिति कब होती है? जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती है। किस पर लंबवत होती है? विषुवत रेखा पर, या मैं कहूँ भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर क्या होती हैं? लंबवत होती हैं।
ठीक है, तब कौन सी स्थिति होती है, शुभ की स्थिति होती है। ऐसी स्थिति पृथ्वी पर दो बार होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को किसकी स्थिति होती है, शुभ की स्थिति होती है। और ऐसा कब होता है, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती है तो क्या होता है, ग्रीष्म संक्रांति होती है। उस घटना को क्या कहते हैं, ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य की किरणें किस पर लंबवत होती हैं, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती है तो उस घटना को क्या कहते हैं, ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होती हैं तो उसको क्या कहते हैं, शीत संक्रांति कहते हैं, शीत संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत है तब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। जब मकर रेखा पर होती है तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक है। दूसरी बात, विषुव की स्थिति के समय पूरी पृथ्वी पर दिन और रात समान रहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सूर्य ऊर्ध्वाधर के ऊपर, मतलब किस रेखा के ऊपर ऊर्ध्वाधर होता है, तब विषुव की स्थिति तो भूमध्य रेखा पर होता है। दूसरी बात देखिए, सूर्य की किरणें दो बार लंबवत किस पर होती है, विषुवत रेखा पर होती है। तो औसत वार्षिक तापमान भी सबसे अधिक कहाँ रहता है, विषुवत रेखा पर रहता है। औसत वार्षिक तापमान सबसे अधिक विषुवत रेखा पर, क्योंकि सूर्य की किरणें दो बार लंबवत होती है। दूसरी बात, जहाँ औसत वार्षिक तापमान अधिक रहता है तो वहाँ वर्षा भी अधिक होती है, और जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ वन भी कैसे पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। और जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ जैव विविधता भी सबसे अधिक पाई जाती है। तो विषुवत रेखीय वनों में जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है। लेकिन आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा, सूर्य की किरणें लंबवत भूमध्य रेखा पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। सिंपल है, कौन सा पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है, यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। कौन सा पर्वत एशिया को यूरोप से अलग कर, वो एशिया को यूरोप से अलग करता है, तो यूराल पर्वत जो है एशिया को यूरोप से अलग करता है। एंड्रीज आपको पता ही है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, सबसे लंबी पर्वतमाला, ठीक है। एंड्रीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, एंड्रीज पर्वतमाला, ठीक है। किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। हाँ देवेंद्र, रॉकी पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है, तो रॉकी पर्वतमाला, हाँ ठीक, उत्तरी अमेरिका में, कहाँ स्थित है, उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। हाँ हिमालय एशिया महाद्वीप में स्थित है, और ये विश्व की सबसे उच्चतम चोटी वाली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा, एशिया को यूरोप से यूराल पर्वत अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आवरण मस्तिष्क द्वारा स्रवित होता है, जो सोने जागने के चक्र को नियमित करने में मदद करता है, सोने और जागने के। तो मेलाटोनिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन है, मेलाटोनिन हार्मोन है। ये पीनियल ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है, किसके द्वारा, पीनियल ग्लैंड द्वारा, पीनियल ग्रंथि द्वारा, ठीक है। दूसरा, इस पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जैविक घड़ी, ठीक है। आप देखते होंगे दैनिक जीवन में कि ये जैविक घड़ी जो है ना, हमारा जो शरीर है इसी के हिसाब से क्या करता है, एक्टिविटी करता है। जैसे आपको मतलब रोज सोने की आदत है 10 बजे, तो आपको 10 बजे नींद आने लगती है। सुबह अगर 4 बजे जगने की आदत है, 4 बजे अपने आप नींद खुल जाती है, क्योंकि जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल घड़ी क्या होती है, सेट हो जाती है पीनियल ग्रंथि के द्वारा, ठीक है। और वो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है, तो उससे ही हम सोते और जागते हैं। इंसुलिन हार्मोन, आइए भैया, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता, अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव करती है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिकाओं के बीटा सेल से निकलता है, लैंगरहैंस की कोशिकाओं की, लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा सेल से, बीटा सेल से निकलता है, ठीक है। किससे निकलता है, लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा सेल से निकलता है, ठीक है। चलिए,
तो क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा निम्न कहते हैं, कौन सा आरंभ मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो सोने जागने के चक्र को नियमित करने में मदद करता है, तो मेलाटोनिन हार्मोन है, ठीक है, ये पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज एक पॉलीसेक्राइड, ग्लूकोज एक पॉलीसेक्राइड है जो जानवरों और कवकों में ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करता है, यानी इनमें से कौन सा पॉलीसेक्राइड है जो जानवरों और कवकों में ऊर्जा भंडार के रूप में संचित रहता है। तो देखिए सेलुलोज भी पॉलीसेक्राइड है, ये भी क्या पॉलीसेक्राइड, लेकिन ये किसमें पाया जाता है, प्लांट्स में, किसमें पाया जाता है, प्लांट्स यानी पादपों में, ठीक है, लेकिन ग्लाइकोजन जो है एनिमलों द्वारा संचित किया जाता है, जैसे ह्यूमन है यानी मानव भी है, मानव भी एक क्या जानवर है, ठीक है, तो ह्यूमन में क्या होता है, जैसे हम भोजन करते हैं उस भोजन में क्या अतिरिक्त मात्रा में अगर ग्लूकोज ले लेते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट लिया अतिरिक्त मात्रा में ग्लूकोज आ गया ना, जैसे होता नहीं कहीं दावत आ गई ज़्यादा खा लिया, मौका मिला नहीं मिला, तो अतिरिक्त मात्रा में जब ग्लूकोजन चला गया बॉडी में तो अब वहाँ मतलब कोई ऐसा पैरामीटर तो लगा नहीं है कि मेरा पैरामीटर बोल रहे टॉय 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 कि अब ग्लूकोज ज़्यादा हो गया अब मत खाइए, ठीक है, तो होता है ना स्वाद स्वाद में ज़्यादा खा लिया, तो ऐसे में क्या होता है बॉडी में जब ग्लूकोज ज़्यादा पहुँच जाता है तो एक यकृत भाई साहब क्या करते हैं, अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित करता है, उस इंसुलिन की सहायता से अतिरिक्त मात्रा में जो ग्लूकोज है इस ग्लूकोज को किसमें बदल देते हैं, ग्लूकोज को बदल देते हैं वो ग्लाइकोजन में, किसमें बदल देते हैं ग्लाइकोजन में, ठीक है, इसकी सहायता से इंसुलिन की सहायता से बदल देते, जब हमें मान लीजिए बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती तो भूख का एहसास होता है, जैसे आप कोई व्रत रखते हो या कहीं बाहर हो आपको उस समय भोजन नहीं मिलता है तो जो अतिरिक्त मात्रा में ग्लाइकोजन था उसी अतिरिक्त मात्रा ग्लाइकोजन को यकृत पुनः किसमें बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है, और इसके लिए वो ग्लूकोमा हार्मोन का प्रयोग करता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जानवरों को हमें ऊर्जा का भंडार ग्लाइकोजन के रूप में होता है, प्लांट में सेलुलोज के रूप में होता है, ठीक है, चलिए तो इसी के साथ मैं आज के सेशन को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और यह सेशन भी पिछले सेशनों की तरह परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है, धन्यवाद।